नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव में तीन रंगों का होगा बैलेट पेपर। बीपीएससी परीक्षा के नए नियम को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। बाल वैज्ञानिकों में बिहार शीर्ष पांच में शामिल। नए सरकार के मंत्रियों को मिले पर्सनल सेक्रेटरी। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले विराट ने धोनी के लिए किया भावुक पोस्ट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नगर निकाय चुनाव में तीन रंगों का होगा बैलेट पेपर। बिहार में इस बार निकाय चुनाव में काफी विलंब हो रहा है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर बैलेट के रंगों का निर्धारण कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन पदों के लिए तीन अलग अलग बैलेट पेपर का रंग निर्धारित किया है। इसमें वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग, उप मुख्य पार्षद के लिए स्काई ब्लू और मुख्य पार्षद के लिए पीले रंग का कागज होगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सितंबर में निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। बीपीएससी परीक्षा के नए नियम को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा हाल ही में परीक्षा के नए पैटर्न की घोषणा की गई। परीक्षा के नए पैटर्न से नाराज अभ्यर्थी ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज सड़क पर उतर आए नाराज अभ्यर्थी ने बीपीएससी गेट पर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले बीपीएससी के छात्रों ने इसके विरोध में ट्विटर पर भी इस मामले में ट्रेंड भी करवाया। इसके बाद भी आयोग के कादों पर जू तक नहीं रहेंगी। इसके बाद अब ये सभी अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। मालूम हो कि आयोग ने दो दिन में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है और परसेंटाइल सिस्टम से रिजल्ट देने की बात कही है। जहां छात्रों का कहना है कि परसेंटाइल सिस्टम में धांधली होने की आशंका है, साथ ही उन लोगों की मांग है कि परीक्षा एक दिन में ही आयोजित की जाए और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। दो दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी तो दोनों दिन परीक्षा के सवालों का लेवल अलग अलग होगा। आज कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। बिहारवासी इस साल बारिश के लिए तरस गए हैं। एक और जहां पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से किसान की फसल भी बर्बाद होने के कागार पर हैं। इस बीच आज के लिए मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है, जिसमें मौसम विभाग के अनुसार आज पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के एक दो जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं अन्य जिलों में शुक्रवार यानी आज मौसम शुष्क बना रहेगा। नए सरकार के मंत्रियों को मिले पर्सनल सेक्रेटरी। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा कैबिनेट सचिवालय को सौंपी है और इसी के साथ नीतीश सरकार के नए मंत्रियों को पर्सनल सेक्रेटरी अलॉट कर दिया गया है। जहां मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेता विरोधी दल के रूप में मिले पीएस प्रीतम कुमार को ही अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। इसके साथ ही संजीव कुमार को संजय कुमार झा का पीएस बनाया गया है। अंजनी कुमार श्रवण कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं। पूर्णेंदु कुमार, सुमित कुमार सिंह के सरकारी आप्त सचिव, लाल बाबू सिंह को शीला कुमारी का पीएस बनाया गया है। अवध बिहारी चौधरी बने बिहार के नए स्पीकर। बिहार विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष राजद नेता अवध बिहारी बनाया गया है। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा में सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। वहीं आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे बिहार विधान परिषद के उपसभापति निर्वाचित किए गए हैं। विधानसभा में अध्यक्ष और उपसभापति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इन दोनों को बधाई दी है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा के गेट पर बीजेपी विधायकों ने समितियों की रिपोर्ट पेश करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोकामा विधानसभा सीट पर जल्द हो सकती है उपचुनाव। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि मोकामा विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान कराने के लिए 700 ईवीएम और वीवीपैट मंगाई गई है, जिनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम चल रहा है। मालूम हो कि अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर 2020 का चुनाव जीता था। हालांकि उन पर हथियार रखने के जुर्म के साथ ही और भी केस में 10 सालों की जेल हुई है। ऐसे में उनकी विधायकी भी जा चुकी है और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज मामले में डीडीसी ने 5 दिन का और मांगा वक्त। राजधानी पटना में बीते सोमवार को सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच काफी फजीहत भी हुई। इस दौरान एडीएम ने एक ऐसे छात्र को बेरहमी से मारा जो हाथ में तिरंगा लेकर जमीन पर बैठा था। इस बीच एडीएम की बेरहमी से मारने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप से पटना डीएम ने एडीएम मामले में एक जांच दल बनाया। इस जांच का जिम्मा दो लोग पटना
पटना के DDC और पटना के CT SP को दिया गया। इनसे दो दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, लेकिन दो दिन बीत जाने पर कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। अब DDC ने DM से फिर 5 दिन का वक्त मांगा है। 4 दिनों के बाद इंटर्न डॉक्टर ने खत्म की हड़ताल। बीते 4 दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के इंटर्न डॉक्टरों ने गुरुवार की शाम ही हड़ताल खत्म कर दी। बीते दिन शाम 7 बजे से ही वे काम पर लौट गए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी व इंटर्न डॉक्टर बीते दिन स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व हड़ताली डॉक्टरों के बीच बातचीत हुई। इस बीच कहा गया है कि इंटर्न डॉक्टरों ने 15,000 के बदले IGIMS और पटना एम्स के तर्ज पर 30,000 से 35,000 रुपये महीना स्टाइपेंड देने की मांग की है। CBI ने राजेश वर्मा पर जांच में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। लगातार तीसरे दिन भी भागलपुर में CBI की छापेमारी जारी रही। आपको बता दें कि चिराग पासवान के करीबी कहे जाने वाले निवर्तमान डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के 11 ठिकानों सहित अन्य लोगों के घर अहले सुबह शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चलती रही। वहीं आज तीसरे दिन भी यह छापेमारी जारी रही। वहीं अब शहर में इनकम टैक्स के बाद ED को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी ओर जांच एजेंसी ने राजेश वर्मा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। बाल वैज्ञानिकों में बिहार शीर्ष 5 में। विज्ञान के क्षेत्र में बिहार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार उन शीर्ष 5 राज्यों की लिस्ट में शामिल है, जहां के बच्चे की साइंस प्रोजेक्ट बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाते हैं। दरअसल स्कूल स्तर पर बाल वैज्ञानिक को खोजने और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए बिहार के साइंस फॉर सोसाइटी का नाम विज्ञान प्रगति के विशेष अंक में डाला गया है। 1993 में स्थापित साइंस फॉर सोसाइटी के पिछले 11 साल में 2010 से 2021 के बीच 10,440 बाल वैज्ञानिकों को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया है। साइंस ऑफ सोसाइटी द्वारा हर साल प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर बच्चों का चयन किया जाता है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश भर से 17 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इसमें बिहार के 1 या 2 बाल वैज्ञानिक अवश्य चुने जाते हैं। राजद नेताओं को CBI पूछताछ के लिए बुला सकती है दिल्ली। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में आज से कुछ दिन पहले CBI ने लालू यादव के करीबी भोला यादव और रेलवे के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। अब इसके बाद इस जांच को आगे बढ़ाते हुए CBI पिछले 3 दिनों से राजद के 6 नेता के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसके बाद भी लालू यादव के नेताओं की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो छापेमारी में जब्त दस्तावेजों के आधार पर राजद के नेताओं को CBI पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुला सकती है। वहीं इस मामले में लालू यादव और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया है। भाजपा का आरोप, बिहार में उत्पन्न हो रहा है संवैधानिक संकट। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने नई सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार में आने वाले समय में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने वाली है। दरअसल पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। बिहार विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राजद की राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी विराजमान है। राजद लोकतंत्र का माहौल उड़ा रही है। राजद द्वारा लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने जो फोटो पोस्ट की है, उसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव एक तरफ 2 कुर्सियों पर बैठे हैं। इसमें राबड़ी देवी जिस कुर्सी पर बैठी है उस पर एक तौलिया भी रखा है। चौधरी का दावा है कि जिस कुर्सी पर राबड़ी देवी बैठी है वो उप मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित है। जीतन राम मांझी का श्लोक सुन सभी रह गए। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी आज रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ा। दरअसल आज बिहार विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने पर सदन के सदस्य धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। इसी बीच मांझी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहु एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मतलब ये कि तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेकपूर्ण तरीके से सब अंगों का पालन पोषण करता है। जीतन राम मांझी के रामचरितमानस के ये दोहे सुन सदन में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले विराट ने धोनी के लिए किया भावुक पोस्ट। 28 अगस्त को भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जब दुबई में उनका सामना चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। इस महामुकाबले से पहले दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। कोहली ने अपने आधिकारिक
एक सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी और धोनी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो धोनी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली ने लिखा कि इस आदमी का भरोसेमंद डिप्टी बनना मेरे करियर का सबसे सुखद और रोमांचक दौर था। हमारी साझेदारी मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। 7+18 जो कि इन दोनों की जर्सी का नंबर है। देशभर में आए 10,000 से अधिक कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,256 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 190 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 67 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 110,776 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 147 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, भान प्रकाश मौर्य, धर्मवीर भक्त, जितेंद्र ठाकुर, मुचू रंगीला, पवन सिंह, अनिल कुमार, राकेश कुमार, ऋषिकेश शाह, असलम अंसारी, कुमार कौशल सिंह, संजीत कुमार, सुमन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, एशिया कप के मुकाबले में विराट अपने फॉर्म में वापस लौट आएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।